हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और हमारे इस चैनल से आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे, जैसे मूवी केयर सॉल्यूशंस और फोन सिस्ट हैदराबाद टीम हमारी। और यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एक नया हम सॉल्यूशंस देने की कोशिश करते हैं या कुछ ना कुछ आपको सिखाते रहते हैं। और ऑनलाइन कोर्स हमारा जो कि अभी 5 नवंबर से है, जिसमें आपको ऑफर दिया गया है सिर्फ ओनली पोस्ट में आप देख रहे हैं और दिवाली का आप बिगेस्ट डायरेक्टली ऑफर है। रजिस्टर सारे करके हमारे टेक्नीशियन भाई और अपने टेक्नो एप्लीकेशन भेज हमारे दीजिएगा जितने भी आपको, और लाइव क्लासेस रहेंगी और बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा इसमें। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा MT6360, ये एक आईसी होती है जो कि आपकी डीसी टू डीसी चार्जिंग आईसी प्लस एक बक कन्वर्टर पावर आईसी होती है। इसमें चार्जिंग का सेक्शन भी रखा गया है, फ्लैश एलईडी का सेक्शन भी रखा गया है और ये बक कन्वर्टर भी है, बक सप्लाई बनाती है जो कि रैम वगैरह के लिए होती है। तो इसमें फ्रेंड्स आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इस आईसी में क्या-क्या सेक्शन रखे गए हैं ये सारा चीज हम देख लेंगे। तो ये जो आईसी हमारी 6360 जो कि हमेशा 6359 जो हमारी आईसी है इसके साथ आती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 6359 VKP VPP इस तरीके की VNP इस तरह का मेन पावर आईसी होता है। और इसके साथ आपको जब भी चार्जिंग एसी डीसी टू डीसी मिलेगी आपको 6360 जो अभी हमने देखा है यही वाला आईसी आपको देखने को मिलेगा 6360। अब इसमें फ्रेंड्स होता क्या है, सबसे पहले ब्लॉक इंटरफेस देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें रखी गई है। 6360 जो कि मीडिया टेक का ये एक डीसी टू डीसी है, इसमें 3 एम्पियर स्विचिंग चार्जिंग आईसी है, मतलब चार्जिंग का सेक्शन रखा गया है जिसको हम यूएसबी पीडी फास्ट चार्जिंग या पावर डिलीवरी कहते हैं। साथ में फ्लैश एलईडी भी रखी गई है, RGB रेड ग्रीन ब्लू ड्राइवर 4 चैनल ये भी इसी के साथ कनेक्टेड होता है। ये सारी ये कंट्रोल करती है लाइनें। 2 बक सेक्शन ये आईसी बनाती है और 6 LDO ये आईसी बनाती है, ये भी चीज सीखेंगे। अब ये मेरे पास जो आप देख रहे हैं ये इसका डाटा शीट है और इसमें अगर आप देखेंगे तो स्केमेटिक ओवरव्यू में अगर आप देखोगे तो वी बस जो है इसी में आता है, जिसको हम चार्ज वी चार्ज या फिर वी बस इन कहते हैं। तो 5 वोल्ट इसी में आता है। फास्ट चार्जिंग या टाइप सी की जो आपकी कनेक्टर होती है CC1 CC2 इसी के साथ जुड़ा होता है और DMDP और USB ID लाइन भी इसी के साथ कनेक्ट होती है। ये इसके साथ सारी चीजें कनेक्ट होती हैं। क्लॉक डाटा भी इसी के साथ कनेक्ट होता है, SPMI क्लॉक डाटा। और ये IC आपका फ्लैश और RGB और आपका चार्जिंग के लिए यही IC यूज होती है, यानी VPH और VBAT यही वाली IC आपकी बनाती है। ये ओवरव्यू में आपको बता रहा हूँ, बाकी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। 2 बक ये बनाती है जो कि रैम के लिए होते हैं, DRAM। यहाँ पे आप देख सकते हैं BUC1 BUC2 पिंस, पिन नंबर के साथ भी आप देख सकते हैं BUC1 और BUC2 जो कि हम ये VDDQ होता है और ये VDRAM जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो 6 LDO ये बनाती है जो कि इस सारे चीजों के लिए होता है, रैम के लिए, MMC के लिए, VTP VFP ये सारे 6 LDO ये सेक्शन मतलब 6 LDO आउटपुट करती है। इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चार्जिंग इनेबल पावर एसी के साथ कनेक्ट होती है, मास्टर रीसेट और क्लॉक जो कि पावर एसी से आता है और अदर पावर एसी से इसमें इनेबल और क्यू ऑन की सप्लाई कनेक्ट होती है और चार्जिंग डिटेक्शन ये हम अभी सीखेंगे। SD कार्ड की भी सप्लाई यहाँ से कनेक्ट होती है। ये पावर एसी है, इसमें आप सारा फुल फॉर्म देख सकते हैं जो भी आपका। एक मेन इंपॉर्टेंट चीज इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, चार्जर डिटेक्शन जो कि अभी तक MTK में आपको VCDT और चार्ज LDO की 2 लाइनें अलग से मिलती थी 0.5 2.8 की, बट इसमें जो हमारी ये वाली पावर एसी आपको देखने मिलेगी इसमें VCDT का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें चार्ज डिटेक्शन का कंसेप्ट है। यहाँ पे अगर हम डायग्राम में आएंगे तो ये हमारा मेन चार्जिंग एसी है जो कि 6360 होता है, यहाँ पे देख सकते हैं वही सारी लाइनें इसी में कनेक्टेड है। वी बस का OVP के थ्रू 5 वोल्ट आता है, PMID के थ्रू ये आपकी फ्लैश LED को चला जाता है या सेकेंडरी चार्जिंग एसी को ये 5 वोल्ट चला जाता है PMID का।
और वी बैट यहीं से आउट हो रहा है क्योंकि इसमें ये मीडिया टेक है, तो ये कॉयल के थ्रू एक कैप जो हमारा सीरीज में होता है बूट कैप, उसके थ्रू एक 1 माइक्रोहेनरी के कॉयल के थ्रू यहाँ पर VSYS यानी VPH का सप्लाई बनाती है और वापस ये सप्लाई IC में भी आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और ये VPH जो है हमारा, हम जिसको वी बैट VPH क्वालकॉम में बोलते हैं और VSYS हम मीडियाटेक में बोलते हैं, तो बैटरी की जो चार्जिंग के लिए सप्लाई होती है यहीं से आउट होती है, देख सकते हैं वी बैट। इसके अलावा फ्रेंड्स ये जो आईसी हमारी फ्लैश स्ट्रोक की भी आईसी है यानी फ्लैश के लिए भी काम करती है, RGB रेड ब्लू ग्रीन जो लाइट होती है आपकी चार्जिंग लगाने पर, आपकी चार्जिंग का ऊपर लाइट जल जाता है, और USB CC1 CC2 SBU यानी USB ID, तो मतलब आपका ये टाइप सी जो कनेक्टर है उसमें भी ये यूज होती है, और पावर डिलीवरी PD ये देख सकते हैं इसको ग्राउंड किया गया, और VBUS इनपुट यहाँ से भी होता है। तो ये चार्जिंग की पूरी एक पूरी की पूरी IC है। इसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारा करंट सेंस रजिस्टर होता है जो कि ग्राउंड के साथ कनेक्ट होता है MTK में, जैसे आपको पता होगा, और ये बैटरी कनेक्टर के साथ जुड़ा होता है जो कि फ्यूल गेज सेक्शन के साथ ये जुड़ा होता है। ये हमारी OVP IC है, आउटसाइड में लगी होती है। इसके अलावा हम देखेंगे, जैसे कि हमने देखा था दो बक सप्लाई ये बनाती है VDD APU और VDD2 के नाम से। इसके अलावा इसमें 6 LDO सप्लाई होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये 6 इतने एम्पियर से बनते हैं, और यहाँ पर ये LDO के नंबर दिए गए हैं और ये इसका नाम दिया गया है, और इन सब के लिए VPH का ही वोल्टेज इनपुट हो रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये IC का अभी हम डाटा शीट में देखेंगे, पहले कंसेप्ट को ख़त्म कर लेते हैं, इसके बाद डाटा शीट की तरफ जाएंगे। पावर की सप्लाई जो कि क्यू ऑन के नाम से रहती है, जो कि पावर IC के साथ भी जुड़ी होती है। वॉचडॉग जो है इसमें भी आता है, जिसको हम मास्टर रीसेट भी कहते हैं, और ये GPIO चार्जिंग इनेबल CPU के साथ कनेक्ट होता है, और E9 पे जो इनेबल सिग्नल आ रहा है ये मेन पावर IC से आता है। SD कार्ड की सप्लाई इससे जुड़ी हुई है। इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें देख सकते हैं यहाँ पर DMDP की सप्लाई यहाँ पे कट कर दी गई है, मतलब NC है तो मेन पावर IC के साथ कनेक्ट हो जाएगी, और क्लॉक डाटा की सप्लाई यहाँ पे जुड़ी हुई है दोनों पिन J5 H5 के साथ, क्योंकि क्लॉक डाटा बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज IC कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी। अब मेन कंसेप्ट जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, चार्जर डिटेक्शन, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन आपकी मेन पावर में जाती है और फॉल्ट भी पावर में जाती है। तो सबसे पहले हम चार्जर डिटेक्शन को सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, तो ये आपका अभी जो ये IC है यहाँ पे नंबर बता दूँ आपको 6360, और जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आप तो ये आ जाएगी आपका 6359 में। ये इसका चार्जर IF सेक्शन है, जहाँ पर पहले आपको VCDT चार्ज LDO की लाइनें मिलती थी, बट अभी यहाँ पर आपको चार्जर डिटेक्शन B के नाम से लाइन मिलेगी। आपको देख सकते हैं बैटरी थर्मल लाइन, जिसको हम बैट ऑन कहते हैं MediaTek में, और यहाँ पर 4 वोल्ट भी आ रहा है VPH का, और ये फ्यूल गेज सेक्शन है क्योंकि करंट सेंस पॉजिटिव करंट सेंस नेगेटिव की जो लाइनें होती है यहाँ पे फ्यूल गेज सेक्शन में MediaTek में कनेक्ट होती है, जैसे आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता आप मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और अभी ऑफर भी चल रहा है दिवाली का स्पेशल। अब एक और बात फ्रेंड्स, फॉल्ट बी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं फॉल्ट बी की जो सप्लाई है MT6360 से 6359 में जाती है। अगर ये IC नहीं गई तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्यों जाती है, ये इंडिकेट करती है कि चार्जिंग AC का जो पावर है वो सारा गुड है, वो सारा बन चुका है। जब चार्जिंग AC अपने से फॉल्ट बी इसको देती है तभी ये आपका रीसेट बी का सप्लाई CPU को दे सकती है, अदरवाइज फॉल्ट बी अगर से मेन पावर को नहीं मिलेगा तो CPU को ये रीसेट बी का सप्लाई यहां से सॉक तक नहीं पहुंचा पाएगी, और CPU इसे फिर वॉचडॉग का सप्लाई देगा ही नहीं, तब आपका ना तो पावर काम करेगा ना तो CPU काम करेगा। ये दोनों ICO में कम्युनिकेशन है। क्यू ऑन की सप्लाई, जैसे मैंने इसको पहले भी समझाया था आपको, दोनों ICO के साथ जुड़ा होता है ये, पावर की सप्लाई है, ऑन ऑफ की सप्लाई है, क्योंकि क्यू ऑन जो होता है आपका VPS सप्लाई को 3 सेकंड के लिए बंद कर देता है और आपका मोबाइल रिस्टार्ट करता है। यहाँ पे देख सकते हैं VCDT की जगह चार्जर डिटेक्शन बी की सप्लाई दी गई है, तो यहाँ पे VCDT कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे लेटेस्ट पावर 6359 में अगर आप देखोगे तो आपको चार्जर डिटेक्शन पिन मिलेगी। आपको इनेबल जो है यहाँ से मेन पावर से चार्जिंग AC में आता है, जैसे आपको पता ही होगा, तो ये कंसेप्ट इसमें भी यूज कर रहे हैं लेटेस्ट सेटों में। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाते हैं इसके डाटा शीट की ओर। तो डाटा शीट में जैसे आपने देखा था ये इसके फुल फॉर्म्स होते हैं, और मैंने चार्जिंग डिटेक्शन लाइन भी आपको बताई अभी।
अब फ्रेंड्स यहाँ पे और बहुत कुछ इसमें सीखने लायक है। अगर आपको पावर एसी की डाटा शीट पढ़ने आती है तो यहाँ पे मैंने आपको बताया MT6360 बक और LDO पावर प्लान, ये दोनों पावर LDO और बक दोनों बनाती है। मेन पावर पे पूरा डिपेंड नहीं होना है आपको, दो पावर बनाएगी। ये इसका आउटपुट वोल्टेज है, ये ऑन होने के टाइम पे 1.1 और 0.6 बनाता है, और ये इतना मिली एम्पियर इसमें होता है, मतलब 4000 मतलब 3000 मिली एम्पियर। तो 1000 जो होता है हमारा 1 एम्पियर होता है, तो यहाँ पर 4 एम्पियर और 3 एम्पियर की सप्लाई बनती है, और यहाँ पर रैम 1 के लिए जाती है और ये रैम के लिए ही जाती है। दोनों भी एक्सपेक्टेड यूज कहाँ पे यूज होंगे, रैम के लिए ही यूज होंगे। तो रैम अगर आपका एक्टिवेट नहीं होता मोबाइल ऑन नहीं होगा, तो ये आईसी अगर खराब हो जाएगी आपकी तो सेट आपका डेड होगा, क्योंकि ये चार्जिंग आईसी भी यही है और रैम के लिए भी सप्लाई यही बनाती है। तो 2 बक बनाती है ये और 6 LDO सप्लाई बनाती है। तो इसमें से फ्रेंड्स LDO में सिर्फ आपका मोबाइल ऑन होने के टाइम पे सिर्फ एक ही LDO आपका ऑन होगा, जैसे आप देख सकते हैं रैम का, SD कार्ड, टच पैनल, फिंगरप्रिंट के ऑफ रहेंगे सारे, क्योंकि बैटरी आपका डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पर रैम का सप्लाई बनाना है, इसलिए 1.8 ऑन होता है आपका। तो ये एक सप्लाई हमारी मेन सप्लाई है। चलिए ये बक पावर प्लान आप समझ गए होंगे, तो इसका और भी आगे देखते हैं यहाँ पर। तो ये सप्लाई मैंने ऑलरेडी बताई थी आपको, वॉच डॉग रीसेट यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों में आपको रीसेट भी देखने मिल रहा है, दोनों में वॉच डॉग जा रहा है। तो ये CPU से वॉच डॉग आता है और रीसेट भी मेन पावर से आपका जो है मेन CPU के साथ कनेक्ट होता है। तो ये हमारा लास्ट का प्रोसेस, इसके बाद SW ऑपरेशन होता है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है लास्ट में। तो इसमें और बताने लायक चीज़ें आपको, हालांकि बहुत कुछ है सीखने के लिए, अगर आपके पास टाइम होगा तो आप सीख सकते हैं। DMDP की सप्लाई कैसे कनेक्ट हो रही है, USB के थ्रू मेन पावर में जा रही है। इसमें आपका DMDP की सप्लाई चार्जिंग AC में 6360 में नहीं जाती है, तो ये हमारा USB कनेक्टर से DMDP की सप्लाई CPU में जाती है, एप्लीकेशन प्रोसेसर जिसको AP बोलते हैं, और दूसरा कॉइल और रजिस्टर के थ्रू मेन पावर, ये आपकी जो है 6360 जो कि आपकी चार्जिंग AC है। तो इसमें यूज जो हमारा इस हैंडसेट है इसमें NC रखी गई है। DMDP की सप्लाई आपको देखनी है कहाँ जा रही है, कौन से हैंडसेट में कहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इसके इनपुट वोल्टेजेस है, ये इसका कितना वोल्टेजेस कहाँ बनता है यहाँ पे देख सकते हैं। चार्जिंग इनेबल पे 1.8, इनेबल में चार्जिंग डिटेक्शन में देखेंगे आप तो 3 वोल्ट से लेकर के 5 वोल्ट बनता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और क्लॉक इनेबल वगैरह में 1.8, और चार्जिंग VBAT में आपका यहाँ पे देख सकते हैं 3.1 से 5.0। ये सारे आपके मास्टर रीसेट में 1.8, क्यू चार्जिंग क्यू ऑन में 1.8, ये सारे वोल्टेजेस हैं। ये इसके नाम है, कौन सा इनपुट होगा कौन सा आउटपुट होगा यहाँ से देख सकते हैं। IO का मतलब इनपुट और आउटपुट, SOC का मतलब होता है CPU, और ये पावर में जा रही है। VPS तो हमारा चार्जिंग AC से आउट होता है, ये सारे CPU की लाइनें हैं, CPU में जा रही है। देखिए VBAT तो आपका बैटरी कनेक्टर से कनेक्ट होता है। तो ये इसका पावर प्लान है, कौन सा रीड हो रहा है कौन सा राइट हो रहा है आप देख सकते हैं। और इसमें आपको बताने लायक, आप फ्री टाइम पे डाटा शीट ओपन करिए और इसको चेक करिए, देखते रहिए तो आपको सीखने मिलेगा। हम लोग यहाँ पे रिसर्च करते ही रहते हैं, सारा चीज़ देखते रहते हैं, तो बहुत आपको ऐसे ही वीडियोस में आपको मिलता रहेगा हमसे डाटा शीट, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिलती है। तो आपने देखा ये सारी सप्लाई हमने बताने की कोशिश की आपको, बोर्नियो में बहुत कुछ आपने सीखा मेन चार्जिंग AC के थ्रू। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम आ जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये MediaTek का एक पावर AC जिसके अंदर VCGT कोई कंसेप्ट यहाँ पे यूज नहीं किया गया है, और मैं अभी आपको पावर AC के पास लेके चलता हूँ इसका पावर AC में। तो ये देख सकते हैं ये आपका 6359 इसका मेन पावर। तो यहाँ पे अगर आप इसमें देखेंगे, ये हमारा सारा क्लॉक सेक्शन है जो आपका बेस बैंड के लिए, WTR के लिए, Wi-Fi के लिए, नियर फील्ड कम्युनिकेशन के लिए, यहाँ से आपका क्लॉक सप्लाई 26 मेगाहर्ट्ज का इन सारे ICO में जाता है। और ये इसका पावर AC का क्रिस्टल यहाँ पे लगा है 26 मेगाहर्ट्ज से देख सकते हैं, क्योंकि MTK है क्रिस्टल का सप्लाई। ये इसका ऑडियो सेक्शन है क्योंकि पावर AC के अंदर ही ऑडियो होता है। और ये फ्यूल गेज सेक्शन में VCDT चार्ज LDO कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे 3 वोल्ट से 5 वोल्ट आपको देखने मिलेगा चार्जिंग डिटेक्शन में। और बैट ऑन मतलब बैटरी थर्मल की लाइन इसी में आती है। और ऊपर जाते हैं तो ये हमारा कंट्रोल सेक्शन में रीसेट भी, वॉच डॉग, PMIC, SPMI क्लॉक डाटा मतलब SPIO, यहाँ पे ये देख सकते हैं SPI प्रोटोकॉल, क्लॉक डाटा मीसो मीसो मोसी,
तो यहाँ पे पावर की सप्लाई यहाँ से, और ऊपर आते हैं ये भी 6359 है। अब 6359 में आप यहाँ पे देखोगे इसका मेन पावर है जो कि एलडीओ सेक्शन हम बोलते हैं उसको, सारे एलडीओ इसमें बनते हैं। इसके ऊपर आएंगे तो ये इसके बक सप्लाई है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 ये सारे बक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉइल यहाँ पे लगे हैं। तो इसमें मॉडम का सप्लाई, ग्राफिक के लिए सप्लाई यहाँ से बनती है, और VS2 जो कि लोअर LDO, VS1 हायर LDO, VPA 4GPA के लिए वोल्टेज, इसके अलावा एस रैम के लिए GPU, ग्राफिक प्रोसेसर और रैम के लिए यहाँ से सप्लाई बनती है। ये कोर CPU के लिए, ये प्रोसेसर L और प्रोसेसर B यानी दोनों गोल्ड और सिल्वर दो CPU के लिए यहीं से वोल्टेज बनता है। और बाकी ये होता है हमारा CPU 6785। तो पावर AC में आपने देखा यहाँ से स्टार्ट है पावर AC 4201। तो पावर AC में कहीं पे भी आपने नहीं देखा VCGT चार्ज LDO सेक्शन। तो ये एक छोटा सा अपडेट हमारे स्टूडेंट्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, जो कि मैं पढ़ाते रहता हूँ, बताते रहता हूँ, बहुत सारे वीडियोस लाते रहता हूँ आप सबके लिए। हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है फ्रेंड्स, उसमें बहुत कुछ आपको वीडियोस मिलते हैं, डाटा मिलता है जो कि हम यहाँ पे अपलोड करते हैं, देख सकते हैं सारा टॉपिक्स आपको हमारे कंटेंट में मिलता है, ये देख सकते हैं बहुत कुछ है इसमें। पावर AC के बारे में, सिंगल पावर, डबल पावर, तो VCGT कॉन्सेप्ट, चार्जिंग का फॉल्ट फाइंडिंग, वीबर्स, बहुत सारे थर्मल एरर्स हो गया, चार्जिंग एरर्स हो गए, DSO की सप्लाई होगी, 5G 4G सर्किट, ऑडियो, माइक, स्पीकर, रिंगर, ग्राफिक, सुपर AMOLED, लाइट IC में काफ़ी सारे लाइट IC होंगे यहाँ पे मैंने बताया है, ग्राफिक में काफ़ी सारे ग्राफिक IC मैंने बताई है, क्रिस्टल की जो IC आ रहे हैं PMK या फिर 8-Ball की IC, बहुत सारे ICOs के बारे में यहाँ पे बताया। मतलब इतना कुछ कंटेंट आपको मिलने वाला है मेरे ऑनलाइन क्लास में। और अभी दिवाली स्पेशल ऑफर में ओनली 4999 में दे रहा हूँ, 15,000 का कोर्स है मेरा, जिसमें लाइव वीडियो भी होते हैं प्रैक्टिकली, जितने भी अनलिस्टेड वीडियो सारे के सारे हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, देख सकते हैं जितने भी है यहाँ पे, 4G 5G सर्किट, ऑडियो हो गया, रिंगर हो गया, माइक हो गया, नेटवर्क हो गया, डाटा शीट के साथ देता हूँ आपको, बहुत कुछ मिलता है इसमें। तो अगर आप चाहे तो मेरा ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, जस्ट 4999 है और साल भर तक सपोर्ट रहेगा, 6 महीने तक सारा आपको ये एप्लीकेशन भी फ्री मिलता है प्ले स्टोर में, सारा चीज़ ये वीडियोस आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी सारा कंटेंट है जिसके बारे में भी बता नहीं सकता हूँ मैं, ये पूरा का पूरा भरा पड़ा है। और ये YouTube पर आपको नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए है, बता दूँ मैं आपको। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और ऑनलाइन कोर्स हमारा जुड़ना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। काफ़ी सारा डिटेल में हम सारा कंसेप्ट स्टूडेंट को देते रहते हैं, और ऑनलाइन स्टूडेंट हमारे बहुत कुछ सीखते हैं इसीलिए उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। फेसबुक और हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पे जाकर आप देख सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक बार स्टेटस भी देख लेते हैं, ये सारा हमारा स्टेटस है जिसमें स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देख सकते हैं पूरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स है लास्ट बैच के September 20 के, ये सारे जितने भी पोस्ट आप देख रहे हैं स्टूडेंट के ही है जो हमारे ट्रेनिंग लेने के बाद इतना अच्छा लेवल पे काम कर रहे हैं, और ये कुछ सपोर्ट भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि खुद से कर रहे हैं, हमारा सपोर्ट होता है व्हाट्सएप पर, हम भी इनको आंसर देते हैं और वो खुद से भी करते हैं क्योंकि इतना अच्छा लेवल पे वो सीख जाते हैं। तो ये सारे जितने भी फॉल्ट्स हैं ये खुद रिपेयर किए हैं और हमारे ग्रुप में पोस्ट डालते रहते हैं। तो आप लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो ऐसा डाटा शीट लेना चाहते हैं, ऐसा कंसेप्ट सीखना चाहते हैं, ऐसा लेवल पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि डाटा शीट के साथ, GR के साथ, वोल्टेज के साथ मैं सारा कुछ बता देता हूँ, इतना इजी लेवल में बता देता हूँ आपको पूरा, चाहे आपको बूट पावर कैसे, आपको पावर सीक्वेंस चेक करना है डेड मोबाइल में, सारा कंसेप्ट मिलेगा वीडियो। तो ये सारे वीडियोस जो पोस्ट देख रहे हैं आप हमारे स्टूडेंट्स के ही है और ये लाइव होते हैं, कोई फेक नहीं होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ स्टूडेंट के साथ होते हैं। जब आप हमसे कोर्स लेंगे आपको भी इसी ग्रुप में जोड़ दूंगा मैं, तो आप सब लोगों के पोस्ट एक ही जगह पे आएंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो एडवांस में हैप्पी दिवाली, चलिए मिलते हैं कोर्स में। और मेरा जो कोर्स है अभी 5 नवंबर से है ओनली 4999, उसके बाद आपको 15,000 पे करना होगा इसी कोर्स के, और प्ले स्टोर में आपको एप्लीकेशन भी फ्री मिलने वाला है जिसके अंदर सारे वीडियोस होते हैं, 1000-100 से ज़्यादा वीडियोस रहेंगे, और आपको लाइव 10 क्लासेस दूंगा मेरी, जो कि आप रात 9 से 11 बजे तक मेरे 2 घंटा क्लास भी ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और जुड़े रहिए मेरे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ पे आपके लिए काफ़ी सारे सोल्यूशन है, जाकर के देखिए वीडियोस, और कुछ सीखने मिला तो ज़रूर एक कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।